गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या? अति पिछड़ा समाज के लोग वोट देने में सबसे आगे होते हैं और अधिकार लेने के समय लोग पीछे हो जाते हैं। हमने उनसे यही आग्रह किया है और सच पूछिए तो सम्मेलन भी इसी के लिए था कि अपने अंदर सजगता लाएं, सक्रियता लाएं, वोट देने के समय जितना तत्पर रहते हैं अधिकार लेने के समय भी तत्पर रहें, इस बात का आग्रह उनको करना था और इसीलिए सम्मेलन का आयोजन। जिस तरह से अति पिछड़ों पर दिन पर दिन अत्याचार होता रहता है और कोई भी इसका सुनवाई नहीं करता है, लेकिन बड़े बड़े नेता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से बड़ी बड़ी वादों को करते हैं, लेकिन असल मायने में उस वादे पर पूरी तरह से अरे देखिए अत्याचार का जो मामला है उसमें स्पेसिफिक कहीं क्या है उस पर बताइएगा तो हम लोग भी देखेंगे। जनरल सवाल इस पर क्या होगा? अभी नीतीश कुमार जिस तरह से संसद में एक बयान दिए हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया? महिलाओं पर अभी हमारे यहाँ शिक्षक का बहाली हुआ है, भर्ती हुआ है, उसमें कुछ ऐसे शिक्षक भर्ती हुई है जिनको अपना अपना राज्य का नाम नहीं मालूम है, अपना सांसद नहीं मालूम है। वो इशू नहीं, शिक्षक को बहाल करके उनको अपमानित करिए, क्या पढ़ा पाएंगे सर? देखिए ये कोई विषय नहीं है, सब सवाल का जवाब सब लोग दे दे। अब शिक्षक को अपमानित करने के लिए देखिए वो सरकार करेक्ट करे, एक विद्यालय में तो एक अच्छा शिक्षा, अरे वो ठीक है, लेकिन अच्छा शिक्षक का क्या पैमाना है? बीपीएससी से परीक्षा सरकार ने ली है, वो सरकार से पूछिए कि कैसे परीक्षा आपने ली, लेकिन उस बेचारे का दोष, उस शिक्षक का दोष नहीं है, दोष है तो सरकार की जो व्यवस्था है उसका दोष है। आपका नजरिया सही है, मतलब हम तो कह रहे हैं कि सरकार अपने व्यवस्था में सुधार लाए, लेकिन अब सरकार उस तरह की व्यवस्था कर रही है जिसमें अगर गलत लोग आ जा रहे हैं तो आने वाला का दोष थोड़े है, दोष है सरकार की व्यवस्था का। इसलिए जो लोग गए हैं उनको अपमानित करने के लिए कुछ अब शिक्षक के खिलाफ बोला जाए यह गलत है।